नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। केदारनाथ के कपाट खुले, कोरोना के दौर में पहली बार भक्त कर रहे बाबा के दर्शन। एक दिन में 12,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, राज ठाकरे को अयोध्या घुसने नहीं दूंगा, पहले राज ठाकरे माफी मांगे, उत्तर भारतीयों की पिटाई पर जताई नाराजगी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद का बड़ा आदेश, थाने में किसी को बुलाने के लिए मंजूरी जरूरी, बिना थाना अध्यक्ष की मंजूरी के बिना नहीं बुला सकेंगे किसी को पूछताछ के लिए, अभियुक्त को भी बुलाने के लिए अनुमति आवश्यक। हैदराबाद में ऑनर किलिंग, बहन दया की भीख मांगती रही पर नहीं माना, भाई जीजा पर करता रहा प्रहार। भाजपा नेता कपिल मिश्रा का दावा, तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक सच्चे सरदार से इतना डरना क्यों। विदेशी मीडिया पर भड़के विवेक अग्निहोत्री, बोले आतंकी को सही बताने वाले मसीहा नहीं तो इस्लामोफोबिक। गोंडा में 4 शिक्षक बर्खास्त किए गए, फर्जी दस्तावेजों से बने थे शिक्षक, विभागीय जांच में फर्जी मिले दस्तावेज, एसटीएफ कर रही थी मामले की जांच, नोटिस के बाद भी नहीं रखा अपना पक्ष। शेयर बाजार का ब्लैक फ्राइडे, सेंसेक्स खुलते ही 900 अंक फिसला, निफ्टी 16,500 के नीचे। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण मामले में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई, मौलाना उमर गौतम सलाउद्दीन की जमानत खारिज। मुरादाबाद में बिजनौर से पेशी के लिए आया अपराधी, दो पुलिस आरक्षियों को चकमा देकर हुआ फरार, अपराधी के फरार होने पर पुलिस में हड़कंप, आरोपी को ढूंढने के लिए जनपद में नाकाबंदी, पाक बड़ा थाने इलाके में फरार हुआ आरोपी। बाराबंकी में इंस्टाग्राम पर रील बनाना युवक को पड़ा भारी, बुलेट पर तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद युवक हुआ फरार, पुलिस की कई टीमें युवक की तलाश में जुटी, थाना जहांगीराबाद के तिवारीपुरा गांव के है युवक। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।